मम्मी बस गले में डालो और कुछ नहीं करना। अरे मेरा चिमका। अच्छा गाड़ी गिरा ले। सो जा लाला सो जा। स्टाइलिश वाला ही रखूंगी मैं इतना। स्टाइलिश मेरे को कमेंट करके डाल देना कि मेरे को यहाँ दिखे थे बिना घूंघट। लाइक आप पक्का करेंगे वीडियो को, तो लाइक करने के लिए पहले से ही थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, खमंगड़ी सा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा 9 बजे काम फिनिश हो गया। अब मैं क्या खा रही हूँ, हम क्या करते हैं कि ऋषभ के पापा से एक रबड़ी वाला गिलास आता है ना, वो मंगवा लेते हैं, फिर इसको जमा के फिर खाते हैं। पता है क्या होता है, क्योंकि अपने ना मटका कुल्फी अपन मंगवाते हैं ना, तो फिर वो छोटी सी आती है, मेरा पेट ही नहीं भरता। तो मैं एक काम करती हूँ, मैंने ऋषभ के पापा को हमेशा ऐसे बोल रखा है कि आप जब भी जाओ ना तो ये गिलास लेके आया करो, और मैं इसको एक रात जमा के फिर खाती हूँ। चलो एंजॉय करते हैं अपन इसके साथ। चक्कू वाला यार, विधि क्या करना है इसमें, ये देखो ऐसे करके। नहीं मैं इसको ऐसे आइसक्रीम खाता हूँ ताकि मेरे को फील आए कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। ओके गाइस, ठंडी लग रही है, ये अट दिखाओ। अच्छा चतुर आदमी को काम है। हम हमेशा इसको ऐसे आइसक्रीम खाते हैं। ओके बढ़िया आइसक्रीम, ये मटका गुल्फी बना लेंगे ये पूरी। या थे मेरा ब्याह का मायने ने बींद बने रही है ना, आइसक्रीम मांग ला गया। पता है इन्होंने क्या कहा मेरे से, वो जैसे कहा कि है ना जब ऐसा पानी वानी तो छोड़ो, ये गिलासा तो फोर मेल्टी मना करो थे, तो आइसक्रीम लाओ मम्मी दे दीजिए। हां मैं टाप रहा देखो, बड़ा टाप मेरे कने कने पी रहा है, मैं ये बींद मटर ऊपर साथ तो बैठा रखा बड़े अकेला नहीं, तो मैं ये आज को 2-3 बार मैं टाप रहा देखो, टाप रहा मटा रहा कने कने आइसक्रीम ले दे, मैं वो आइसक्रीम खावा जद हो गया। और बींद बनेड़ा ने था कि ये इच्छा होगी कि मैं आइसक्रीम खाऊं, ये टब्बर को लागता को नहीं कि मैं शर्मा मार देता सगला जना के टाइम लगे। एक आइसक्रीम थोड़ी खाई, चार चार आइसक्रीम खा। ये खतर अटा सेंसर है। अच्छा ठीक है, अभी कोने ओ आ गयो। ठीक है तो अभी हाथ लगाना है सेंसर के। हां कि वो स्कूटी मैगी हो चुकी है खराब, फंस गई। आधे बटा स्टार्ट हो या करोगे ना, और सेंसर ठीक है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अगला फोन पे फोन होगा या तो पहले। अच्छा मन परेशान को नहीं देख देख बुझाओ दे। बैठ फिर ठीक है चलोगा। अभी मैं और ऋषभ के पापा जा रहे हैं पापा मम्मी के घर पे, और वहां से ज्योति भाईसा के साथ मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके आनी है, जो भी आपको दिखा दूंगी जो भी मैं लेके आऊंगी। तो आज सुबह से मैंने व्लॉग है ना शूट किया ही नहीं, अब जाके मौका मिला मुझे व्लॉग शूट करने का। सुबह से व्लॉग शूट किया, मान ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकते ना ये पर है आज, आज मेरे साथ ये है। तो शाम को शाम के कितने 7 बजने वाले ना, तो मैं आज तो मान नहीं सकती भैया इस जन्म में तो नहीं रियल में आज आज मैंने व्लॉग नहीं शुरू किया। पर ये अजीब सा क्यों दिखा रहा है, इधर की साइड तो अच्छा दिखा रहा है। तो अभी मैं अभी मैं और ज्योति भाई सर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और आप सोच रहे होंगे कि ये रोज ही शॉपिंग करती है कभी चूड़ेगी, तो आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉपिंग होगी हमारी। हाँ ऐसी वाली अच्छी लग रही है, ऐसे कैसे दिखाओ। गप्पा गप खाऊंगा अब, बस 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 सबकी फेवरेट है ना बतासी, ये आप खाओगे घर जाके। हाँ बताओ लेट हुई इसलिए, कभी बच्चों क्या बोल रहे हैं कि मैं लेट हुई हूँ इसलिए। मेरी फेवरेट नहीं है, मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। मैं और ज्योति वैसे घर पे पहुंच गए, अब मम्मी को दिखाते हैं हम क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए हैं। एक भाईसा है, उनकी मैं रील बना के भी इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, जो भी एक स्टोरी वगैरह जो भी होगी एक दो दिन के अंदर अंदर रील बना के आप सबको दिखाऊंगी कि ये वाली ज्वेलरी मैं वियर करूंगी तो कैसी लगूंगी। तो वैसे मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति सूर्या राठौड़ के नाम से, तो वहां जाके भी आप फॉलो करें। मम्मी के तो ये टेंशन रहती है, बहुत टेंशन रहती है मम्मी के। गणेश जी कड़ी क्या, गणेश जी भी पिक्चर। तो मम्मी आते ही मेरे को ऐसे बोलती है, एक तो तू ये चेन ना खोल दे, बताओ मम्मी कोई जीव ले रहे है कि अब तो सारो सामान है पर है सगड़ो लोकर का माइंड मेले तो रखे मम्मी, बस है एक चेन चेन। और देखो गाइस ये एक अंगूठी, एक ये बस ये क्या बोलते हैं इसको, कान में यार, और हाँ कान में, बस ये एक सुई धागे, और एक ये नाक में, बस ये चार चीज मैं मेरे पास रखती हूँ। उसमें भी मम्मी के पास मैं पहुंचती हूँ ना, मम्मी ये बोलती है चेन तोड़ाओगी तू, क्या मैं गई तू, मैं बोली स्कूटी में गई, स्कूटी में गई के
ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਨ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਈਸ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕੋ ਮੁਝੇ ਪਹਿਨਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਟੋਕਤੇ ਹੈ ਯਹੀ ਹੈ ਬਸ ਯਹੀ ਪਹਿਨਤੇ ਤੇ ਯਹੀ ਪਹਿਨਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗਾਈਸ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਗਲੇ ਮੇ ਚੇਨ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਨਤੀ ਹੂੰ ਪਿੱਤਲ ਕੋ ਖਿਲਡੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਿੱਤਲ ਕੋ ਖਿਲਡੋ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ अरे यार मम्मी मजे आते हैं मम्मी के तो मम्मी हमारे कुछ भी बोल सकते हैं चलो मम्मी को शॉपिंग दिखाते हैं लगा दिए वो फिल्टर फाल्टर के है वो लगा दिए चश्मा उतार दे गाइस वो दिला दूं मम्मी क्या बोल रही है पता है कि मेरे ना फिल्टर फाल्टर लगा दीजिए मम्मी मैं मेरे ही फिल्टर को लगाऊं जो थके थके ही लगाऊं इंस्टाग्राम पे यूज करती हूँ गाइज मैं फिल्टर और यहाँ पे जैसा है मैं वैसा ही फेंकती हूँ चलो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ज्योति भाई साहब ने एक झूमर लिया था एक रखड़ी ली थी और एक चोकड़ लिया था ये वाली तो रखड़ी लेके आए थे ये वाली हंसली लेके आए थे एंड ये वाली झूमर लेके आए थे झूमर बहुत प्यारी लगी थी तो डिज़ाइन भी प्यारी लगी इसकी तो ये वाली झूमर लेके आए थे और ये वाला चोकड़ लेके आए थे ये देखो ये वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वाले इयर रिंग्स हैं बहुत ही प्यारे मतलब ये पूरा सेट है आपको पूरा सेट दिखाऊँगी मैं ये देखो आप तुम्हें ले जाओ कि इसके नाक ये देखो कुंदन का हाँ मम्मा ये कुंदन उंदन जो भी है मुझे समझ में नहीं आता और इसके बाद में ये वाला गले का है ठीक है ये वाली रिंग है रिंग बहुत प्यारी लगी मुझे ये देखो आप भी बताना मुझे कमेंट करके कि आपको रिंग कैसी लगी रिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी और मम्मा को ये वाले कड़े ज़्यादा प्यारे लगे ये देख सकते हो सब गाइज आप सब अलग अलग पसंद बताना हाँ, मेरे को ये कड़े अच्छे लगे हैं अब ज्यादा मेरे को वो नाम नहीं आता मेरे को सपोर्ट करना है सपोर्ट करना है कि मम्मा को क्या अच्छा लगा नहीं मम्मा को अच्छा ये वाला पसंद आया बट आप मुझे है ना बताना कमेंट करके आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगा और ये वाली नथ है ये देखो मतलब सेम टू सेम जैसा गले के अंदर ये पेंडल है ना वैसे का वैसे ये देखो रखड़ी भी है ये रखड़ी है सेम टू सेम चीज का काई पसंद आएगा नकली चीज को कहीं पसंद आओगे असली थे मन पेर बा कौन दे रहा नकली थे ये के दियो कहीं जब मैं पेरू कहीं बताओ परत फच नकली पेर है कुरनाडी कुरनाडी सनुडी आई है हमारी एज लाइक अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है मैं ना इस वाले घर पे नहीं लेके आती मतलब इस वाले घर पे जब भी मैं लेके आऊं ना ऋषभ को तो ऋषभ का कुछ ही नहीं होता इसको ये रहता है कि मैं इस वाले घर पे जाऊंगा आराम लग जाएगा लिंगाई आप सब बताना ये सबसे मेरे ऋषभ की नकल निकालने की जरूरत नहीं है आपको ये किससे से करती है ये इसके एक बार तो कर दे मम्मी को पापा को सबको ये लगता है कि मैं किशु से ज्यादा प्यार करती हूँ ये फैक्ट है ये फैक्ट है ऐसे थोड़ी करते मेरा बेटा है लाड किया कर तू मैं तो गणो ही लाड करू स्पेलिंग याद कौन करा गा स्पेलिंग याद बुढ़ापा में सेवा यो ही करेगो जेती मेरी करो भैया और को दूसरों को नहीं आओ भाई की सेवा का तो पता नहीं मेरे से प्यार किया करो और मेरे भतीजे के आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है आपको प्यार नहीं करती है बिल्कुल ये बिल्कुल ही नहीं करती ये बिल्कुल प्यार नहीं करती और पापा वो करता है हां सही बात हो वो थोड़ा करते हैं और मासी मासी करती है और कौन करता घर में किशु मैं किशु से ज्यादा तेरे को प्यार करती हूँ जब भी इसको पताशी चाहिए मैं पताशी लाके देती हूँ उस दिन मैंने बोला था आपने करा नहीं लेते आपने कुछ पूछा था फिर मैंने क्या बोला मैंने ऐसे बोला था ना स्पेलिंग याद करके रखना तूने याद की करी तो खाने के लिए पताशी तो मांग रहा था खाने के लिए तो अगला कुछ चीज मांगेगा वो तो मिलेगी खाने के लिए मांगेगा वो चीज इसको मिलेगी बट है ना मैंने इसको ये बोला कि तू है ना ये स्पेलिंग याद कर लेगा ना तो ये समझ ले अभी से नोटिस हो रही है हर बात की तू ध्यान कर ले सेवा के लिए तू आगे तेरा ध्यान रख ले थे देख सको सगला जना कि एक बीनड़ी को नहीं जी पहली मन नहीं लगे मम्मी घर दुड़ा देगी मेरा सिर्फ और सिर्फ पोता हूँ प्यार है मम्मी कहेगी दो गणों पहन लियो मैं मम्मी का फिक्स डायल हो गई दो गणों पहन लियो मैं मेरे चांद को छोड़े हुए मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए और आपकी माँ ऐसे बोलती है चांद से ज्यादा प्यार करती हो ये गुइया ये गुइया है गुइया ये देखो मारती है मारना ये स्वीन मारो मैं मारती हूँ इसको गुड़िया थप्पड़गा थप्पड़गा सो जा लाला सो जा लाल पिलंग पे सो जा
अश्विनी रो रहा है, इसको चुप कराओ। नहीं शोजा लाला कर दो, शोजा लाला छूज। मैं चुप कराती हूँ, लो मेरे को दे, यहाँ पे दे गोदी में, गोदी में दे दे। सोजा लाला सोजा, इसको गिरा दे, मेरे को पसंद नहीं है। ओ लग गई अश्विनी, ये लग गई, आप इसको चुप कराओ। चुप, सोजा लाला कर दो। देखो ये लोया है, ये इसको बुझे मार दिया। हाँ ये बुझे मार दिया। कौन माया इसको? मैं इसकी लकड़ी की मारूंगी, गुड़िया के। नहीं, ये मारेगी। मारेगी, पूजा को मारेगी अभी। सुनोगे? आपके लिए अभी भी एक बहुत शानदार कमेंट मेरे हाथ में है। मेरे लिए? यस। मैं पूजा को है ना मेरी ज्वेलरी दिखा रही हूँ, पहले मैं वो काम करती हूँ। ओके, लेकिन अभी आपको एक बार मेरी बात सुननी होगी। क्या बहुत ही शानदार एक कमेंट आपके लिए, एक चैलेंजिंग वीडियो बनाने के लिए एक आइडिया दिया आपको। मेरे लिए? यस। अच्छा, तो हम ये तो सोच रहे थे प्रैंक का। हाँ। प्रैंक अपन दोनों जो भी जिसके समझ में आए वो पहले ले सकता है। अब इन्होंने मजेदार चीज जो दी है, मतलब मेरे फेस पे लाओगे अब आप, है ना? इन्होंने जो मजेदार चीज दी है भाई साहब ने, वो चीज ये है। आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो कि जो भी आपको मिलेगा, कोई भी चैलेंज, आप हर चैलेंज करने के लिए रेडी है? बताओ पहले तो कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो कि जो भी चैलेंज उनके बाईसा के ऊपर, वो कमेंट के ऊपर। हाँ, मतलब बाईसा ने जो कमेंट किया है तो वो चैलेंज आपको कुछ दिया। चैलेंज तो एक तो चैलेंज ऐसा था, एक तो ऐसा चैलेंज होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा पूरा क्या है, क्या है वो, मतलब वीडियो और मतलब किस तरह की वीडियो बनाने उस चैलेंज के अंदर। ऐसा होता है, एक चैलेंज ऐसा होता है कि मेरे को ब्लाइंड ट्रस्ट है, जो भी मेरी सब्सक्राइबर भाई साहब देंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर आई तो बात है। शुरू में सोचो, ब्लाइंड ट्रस्ट अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा रिवार्ड, जो मिलेगा ना चैलेंज कंप्लीट करने के बाद, तो वो रिवार्ड देगा कौन? मुझे नहीं पता, मैं कैश रिवार्ड दूंगा। अगर अगर ब्लाइंड, अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करने पे दूंगा तो 10,000 रुपीज मिलेंगे आपको, 10,000 रुपए ब्लाइंड। और अगर आप समझ के फिर इसको करने के लिए चलोगे तो आपको मिलेंगे पूरे पूरे 2500 रुपए। अब चॉइस इज योर्स कि आपको 2500 रुपए चाहिए या आपको 10,000 रुपए चाहिए। ओके गाइस, तो रेडी सोच लो फटाफट। पहली तो ये कह दी, दोनों बड़ा किसी के लालचन है क्या? हमन भर, हमन भर, एक सांस लाग रहे। हाँ भर, हाँ भर, ठीक है, मैं हाँ भर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपना जो है मुर्गा या मुर्गी बोल लो, मुर्गी है, अपनी मुर्गी फंस चुकी है अभी। 10,000 रुपया दोगे? मैं पहले कह रही हूँ 10,000 रुपया, बस 10 ही का तो बोला ही नहीं। 10,000 रुपया बस, नहीं 10 ही, मैं खुश हूँ। ठीक है, तो बाईसा है ज्योति कंवर बाईसा, इनका कमेंट अटैच भी कर दूंगा अभी। मेरे को बाहर बैठे बैठे मैंने जैसे ही कोई खोले बैठा था मैं यूट्यूब, तो मेरे सामने अचानक कमेंट आया, तो मैंने ये देखा और ज्योति कंवर बाईसा का धन्यवाद है। दिखाओ, अब चलो दिखा सकते हैं। बाईसा का बोलना ये है कि जैसा एक चैलेंज ये करो आप कि पूरे वीडियो में मारवाड़ी बोलो और जीजा पूरे वीडियो में। हाँ, मतलब मेरे लिए जैसा आप ये चैलेंज कर सकते हो कि आप पूरे वीडियो में मारवाड़ी बोलो, मतलब मैं, और जीजा पूरे वीडियो में मारवाड़ी ड्रेस पहनेंगे लगातार 4 से 5 व्लॉग। अब चैलेंज मैंने मारवाड़ी ड्रेस, मतलब अपनी राजपूती ड्रेस। यस, अब मेरा चैलेंज शुरू किया है। मेरा चैलेंज आपके लिए ये है कि आप, मतलब जैसे काफी टाइम बाद मान लो, शादी से ही मान लो, हमारी तरफ से तो फुल फ्रीडम वाला काम था, पापा मम्मी मतलब आपके सास ससुर भी जो किन्होंने हमारी तरफ से, मतलब हमने इसमें कुछ ऐड भी कर रहे हो क्या आप? हाँ, हमने आपने बोला कि वो वैसे जो देखो इनाम अगर चाहिए आपको, रिवार्ड तो फाइनल दूंगा, वही है आपकी, आपकी चॉइस इज योर्स बाकी। ठीक है, तो चैलेंज ये है, भाई साहब ने बहुत अच्छा दिया है आइडिया, तो पर मैं इसी में कुछ आपको फाइनल जो बता रहा हूँ वही है मेरी तरफ से, ये है कि आप जो है मतलब राजस्थानी जो राजपूती ड्रेस है उसमें रहोगे रहोगे, 4 से 5 लोग आएंगे, 5 लोग का चैलेंज ले लिया आपने अभी से, लेकिन इसके अंदर आपके लिए ये चैलेंज है 5 डेज के लिए। आप एक टिपिकल जो राजस्थानी बहू जो होती है, जो मान के चलो मम्मी मान लो आप, तो अपनी मम्मी ने जब अपने शादी करके अपने घर में आए थे इसी घर में, तो कैसे वो शुरू का टाइम निकाला होगा या 4-5 साल, वो उसी तरह से आपको 5 तो आज की आपने भी निकाला है, चलो ठीक है समझ गया, आपने भी निकाला, पर आपको तो मेरे बाया पर आपको इतना ज्यादा फिर भी हमने ऐसे मतलब वो नहीं करा, घाघरा लुगड़ी में आपने रखा है मुझे, घाघरा लुगड़ी प्लस में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नई नवेली बीननी की तरह रहना आपको, घूंघट के अंदर सास ससुर के सामने, पति के सामने भी घूंघट रखना आपको, ये आपके लिए कंडीशन।
मेरे सामने घूंघटी चाहिए, ये चाहिए होते ना, जैसे कि पति के सामने भी घूंघट रख। यहाँ पे एक चैलेंजिंग वीडियो बोल रहे हैं कि आज भी जो है अलग अलग राजस्थान के मतलब एरियाज में मान सकते हैं या बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी में भी मतलब औरतें हैं जो घूंघट में रहते हैं, तो आपको वो चैलेंज लेना है कि घूंघट के अंदर पोछे बर्तन भी सब काम कोई करने, व्लॉगिंग भी घूंघट में, झाड़ू पोछे करने होते हैं ना, इसको टारगेट है कि झाड़ू पोछे बर्तन भी आपको करने होंगे, तो व्लॉगिंग की व्लॉगिंग भी करनी होगी आपको इसी घूंघट में, जो आप व्लॉग डेली बनाते हो खाना पीना, घूंघट रखना है। लेकिन ये चीज मेरा फेस कैसे दिखाऊंगी गाइस, और ऐसा नहीं है कि हमको ये सब बोल रहे हैं कि घूंघट को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छे तो मतलब घूंघट निकाले आप अच्छे भी लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो आप। और दूसरी जो चीज है खुद ही जानो, और मेरे खातर जो चैलेंज है मेरे खातर भी एक अंदर और चीज है, अगर मैं चैलेंज पहले ब्रेक करूं तो आपकी साइड से जो है मेरे ऊपर मतलब ये है कि आप डबल पेनल्टी लगा सकते हो, और अगर आप ब्रेक करोगे तो मैं रिवार्ड दूंगा नहीं, सीधे सिंपल चीज है। मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैंने बोलनी मारवाड़ी है, वो भी बहुत दूरों काम से ही है, मान लो भैया तो मैं शादी बोल दूर पसंद है भैया, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो मारवाड़ी बोलना वो काम ही है कि कई भाई साहब बनाकर मतलब समझ को नहीं आ रही दिक्कत जाए, तो बताओ इतना नर्वस मत हो, अगर एग्री करो ये चीज हूँ नहीं 10,000 रुपया का नहीं एग्री करांगा आप आता एग्री करो तो ठीक है, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ आपके सब्सक्राइबर भाई साहब से, ये हाथ मिला लिया आपने। तो गाइस मैं आपका जो भी चैलेंज है, जो भाईसा का नाम था ज्योति भाईसा ना, ज्योति कंवर भाईसा, हाँ ज्योति कंवर भाईसा, आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और इसमें ऋषभ के पापा ने कुछ ऐड किया है तो वो भी मैं करूंगी, कोई बात नहीं। और अगर कोई और भी कुछ पापा मम्मी के पास जाओगे कहीं भी जाओगे तो सेम वो वैसे रहोगे आप घूंघट में, पापा तो ये सोचेगा कि क्यों यही है, तो उनके लिए भी ये प्रैंक है, ये उनके लिए, पापा तो वैसे भी मेरे ना व्लॉग नहीं देखते उनको पता भी नहीं, लाइव दिखाएंगे। एक चीज ये भी होगा डे फेस्ट जो होगा मम्मी पापा दोनों के लिए ये ऐसे होगा कि मैं वहाँ पे जाके बोलूंगा ये ऐसे रहेंगे। चलो ठीक है गाइस, मैं 5 दिन है ना घाघरा लुगड़ी में रहूंगी, और आप भी है ना कमेंट करके बताना कि आपको कुछ और भी ऐड करवाना है कि इसी चीज में, तो वो भी मैं करूंगी। और आपको पूरे 5 व्लॉग मिलेंगे इस चीज के अंदर, 5 व्लॉग मिलेंगे, 5 दिन का बोला है हमारे ज्योति भाईसा ने। ठीक है, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? ज्योति कंवर भाईसा जो हमारे एक सब्सक्राइबर भाईसा है, हाँ सब्सक्राइबर भाईसा है, सारा काम आपको ही करना, सारा काम मुझे करना है। ठीक है गाइस, बाय। वो कैमरा में जल्दी फोकस है क्या आप क्या जी आवर वाले ने। ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यही एंड करेंगे, आपका चैलेंजिंग वीडियो भी मैंने एक्सेप्ट किया है, आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज 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 आप इस चैनल को बूस्ट कर दो, इसे सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और भर भर के कमेंट भी करते जाओ, 5 व्लॉग ऐसे आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, तो आप एक्साइटेड होंगे शायद जरूर कि इनको फुल टाइम फुल व्लॉग के अंदर राजस्थानी राजपूती ड्रेस के अंदर और साथ में घूंघट के अंदर कंटिन्यू रहेंगे, एक बार घूंघट लगा के दिखा दो इनको कैसे लगेगा घूंघट है का। तो पूजा भाई घूंघट और तैयारी कर रखी है काम ऐसे नहीं, प्रॉपर आप लगा के दिखाओ कि आप लोग बनाओगे कैसे घूंघट के अंदर, आराम रिलैक्स खुद ने लगा, खुद लगा सकते हैं, खुद लगा सकते हैं, इतना लंबा तो होने, अरे तो रुक तो सही, खुद लगा से आपके हिसाब में, ये और अलग आई है, देख रही है अपनी मम्मी को, स्टार्टिंग में ना मैं जोड़ी गई थी ना, तब आपने बोला था ना कि मैं इतना इतना घूंघट निकालती थी उस टाइम, के पापा ने ऐसा बोला मुझे कि स्टाइलिश घूंघटा निकाली, स्टाइलिश वाला ही रखूंगी मैं, इतना इतना घूंघट होता है आजकल, दिखाओ। ओके ठीक है, चलो आपको रखना है बस, ये आपने जैसे भी एक्सेप्ट किया, जैसे भी आपने मतलब जैसे भी आपने एग्री किया हो कि ठीक है मैं रखने के लिए रेडी हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप मेरे साथ भी ऐसे खड़े हो, बहुत अच्छे लगोगे। ठीक है, जयपुर में कहीं भी सिटी में कहीं भी घूमते हुए अगर कोई सब्सक्राइबर ने भी देख लिया और सिर्फ मेरे को कमेंट करके डाल देना कि मेरे को यहाँ दिखे थे बिना घूंघट, चैनल घूंघट वहीं पे चैलेंज जो है चैलेंज आउट, अपने को अपने पैसे बचाने से मतलब सब तरह की चीजें होंगी, देखो इसके अंदर आप खुद देखोगे ये सब तरह की चीजें होंगी, रखते ही थे पहले, हाँ ध्यान रखने वाले को अंदर जो पकड़ता है उस बंदे को 500 रूपए नकद इनाम, अगर कोई वैसा ऑनलाइन कहीं भी देख रहे हो और कहीं भी कुछ सबूत के साथ वो पकड़ा देते हैं कि इनको मैंने यहाँ देखा फोटो के साथ, तो उनको जो है तुरंत रिवार्ड से नवाजा जाएगा, नहीं है ना बाहर, आप बाहर का तो ये बोलो कि बाहर घूंघट नहीं चलेगा, मैं घाघरा लुगड़ी में चलेगा, नो नेवर, दादा मत बोल, नहीं पूछे पंगड़ी सब रुपए पहनाएंगे ऐसे, चैलेंज है वो तोड़ना भी चाहोगे आप, है तोड़ना भी चाहोगे ये चैलेंज में, yes. किसी भी तरह से ब्रेक हो सकता है चैलेंज बीच में, पक्का है ना, ठीक है डन है, डन डन डन, मुझे कहीं पे भी ले जाओ, स्विमिंग पूल में भी लेके जाओगे ना, वहाँ पे भी मैं ना घूंघट में ही जाऊंगी
ये ध्यान रखना घूंघट के अंदर ही मारो जैसे स्विंग करना हो। हाँ घूंघट में मारेंगे आवाज चलो ठीक है। आप भी एक्साइटेड हो गए ये वाला वीडियो देखने के लिए। और ये अभी जो व्लॉग आ रहा है इसके नेक्स्ट डे के कोई भी मॉर्निंग वाले व्लॉग्स आएंगे वो इन्हीं के आएंगे, घूंघट में ही आएंगे, ये बात समझ लेना आप लोग। ओके सभी भाई साहब को और थैंक यू सो मच ज्योति कंवर भाई साहब को अगेन। और इसी तरह के आइडियाज आप भी कोई भाई साहब को आते होंगे तो प्लीज हमें जो है इस पे डालें, कमेंट करके बताएं कि इस तरह का कोई आइडिया है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। लाइक आप पक्का करेंगे वीडियो को तो लाइक करने के लिए पहले से ही थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि कोई फीडबैक भी आपके माइंड में तो बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप फिर कर ही दोगे मुझे पता है। ठीक है गाइस बाय गुड नाइट।